अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर्स। हम पढ़ चुके हैं डीएनए के बारे में। क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिक दो बेसिक पॉइंट्स है, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए का मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। डीएनए जो है ना वो कैरेक्टर खसूसियात ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। डीएनए के अंदर सिक्वेंसेज है जिसको हम नाम देंगे जीन्स। सो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी वालिदैन से बच्चों में खुशियाँ ट्रांसफर करने के लिए कौन काम करता है, बेसिक्स कौन करता है? डीएनए। अभी हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ खसूसियात है जो हेरिटेबल है। हेरिटेबल मतलब है ट्रांसफर एबल, वो खसूसियात जो ट्रांसफर एबल है, ट्रांसफर हो सके फ्रॉम parents to offspring, from parents to offsprings, offsprings मतलब है बच्चे। parents से offsprings में अगर कोई character transfer होती है उसको नाम देते हैं heritable characters। और ये क्यों transfer होते हैं? Due to transfer of genes। जीन्स पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं बच्चों में, तो उनके खसूसियात भी आएंगे। हर कैरेक्टर के अपने अपने जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास हेरिटेबल कैरेक्टर पहला है आई कलर, दूसरा आपके पास हेरिटेबल कैरेक्टर है अटैच एंड डिटैच एयर लोब्स, तीसरा है स्किन कलर। ये सारे आपके पास हेरिटेबल कैरेक्टर्स है। अगर पेरेंट्स में अगर आपके पास पेरेंट्स के आई कलर येलो है तो एक येलो कलर ट्रांसफर हो सकता है ऑफस्प्रिंग्स में विद हेल्प ऑफ डीएनए, विद हेल्प ऑफ जीन्स। जब मेल फीमेल गेमेट्स कंबाइन होते हैं तो उनके डीएनए और जीन्स भी क्रॉसिंग ओवर करते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। तो इन आई कलर कैन बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग्स। अगर आई कलर ब्लैक है तो ये भी ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरह बाज लोगों के एयर लोब्स इधर अटैच होते हैं और बाज के एयर लोब्स इधर डिटैच होते हैं। एयर लोब किसी के इधर अटैच होते हैं, बाज पेरेंट्स में एयर लोब्स अलग होते हैं, तो ये एयर लोब्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसी तरह स्किन कलर है, स्किन कलर किसी का ब्लैक है, ब्लैक कलर स्किन का भी ट्रांसफर हो सकता है। व्हाइट कलर है वो भी ट्रांसफर हो सकता है, रेड कलर है पेरेंट्स में ये भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ये सारे इनको नाम देंगे हेरिटेबल कैरेक्टर्स। एक है आपके पास नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर्स। नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर्स ये ऐसे करेक्टर है जो ट्रांसफर नहीं होते, दीज आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज दे डू नॉट हैव रिलेशन विद जीन्स, इनके साथ जीन का खास ताल्लुक नहीं है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेरेंट्स हैं, पेरेंट में माँ बाप है, उसका एक लेग जो है ना वो कट है, उसका एक पाँव नहीं है या एक हाथ नहीं है, तो वो जो है ना ट्रांसफर नहीं होता, यानी बच्चों में बच्चे जो है ना वो साबित हो सकते हैं। पेरेंट्स में एक माँ बाप का एक पाँव नहीं है या आर्म नहीं है, बाजू नहीं है, तो बच्चों में वो इस तरह नहीं होगा। बच्चों के अच्छा कि आर्म्स और लेग्स उसी तरह आएंगे। सो लेग कट या फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आई कलर ब्लड ग्रुप भी हेरिटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स में आपके पास ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो बच्चों में बी पॉजिटिव आ सकता है। ब्लड ग्रुप लेग्स कट है या कोई बॉडी कट है या कोई और प्रॉब्लम है तो जीन्स की वजह से ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम पेरेंट्स। सो वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं होते उनका नाम थे नॉन हेरिटेबल, जो ट्रांसफर होते हैं उनका नाम थे हेरिटेबल कैरेक्टर्स।
और ये ट्रांसफर किस तरह होती है विद हेल्प ऑफ जीन्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीन्स डिटेल से किस तरह ट्रांसफर होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, यहाँ तक अगर कोई मसला हो।